टेप डिवान, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए वीडियो में और नए दिन की शुरुआत में। तो कैसे हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए आज बताइए, बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कहाँ से हूँ, तो मैं कहाँ से हो, तो सबसे पहले मैं बता दूँ मैं अयोध्या से हूँ। आप लोग कहाँ से हैं कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। जितने भी मैसेज आते हैं प्लीज़ ये भी बताइएगा आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना एक बार। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, फटाफट यहाँ पर मैंने बालों को लपेटा क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी ना सर में लगती है, बाल गर्मी में ना मन करता है बाल कहीं रख दो या जूड़ा कहाँ तक बनाए रहो, क्योंकि बाल जो है ना ज़्यादा जूड़ा बनाने से बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और एक तो भगवान की दया से मेरे बाल इतने अच्छे हैं भी कि और जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो इस चक्कर में ना क्या होता है, मैं जूड़ा बहुत कम बनाती हूँ। पहले मैं बनाती थी, इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, वैसे नाश्ता वास्ता हो चुका है, बस बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाना है और सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। तो मैंने सोचा चलो आज का न्यू ब्लॉग शुरू करते हैं। बहुत तेज़ वाली गर्मी हो गई है, हालत एकदम ख़राब है गर्मी से, मेरे फेस पर देख पा रहे होंगे गर्मी ना बहुत तेज है। तो आज का मेरा वीडियो शुरू हो चुका है, मैंने पहनी है ये वाली साड़ी। कैसी लग रही है दिख रही है? एक सेकेंड दिखाते हैं उसे। कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी मैं जा रही हूँ आज का काम धाम शुरू करने, बहुत ज़्यादा काम है। तो पहले कपड़े फैलाऊंगी, मैंने कपड़े नहीं फैलाए हैं, फिर बच्चों के लिए कुछ बनाना है, फिर मिलती हूँ आप सभी से, कहीं भी मत जाइएगा। तो जो क्या होता है ना, जो हम हाउस वाइफ होते हैं ना, हम लोग को एक पल के लिए भी चैन नहीं रहता, सच बताऊँ तो एक पल के लिए सुकून नहीं रहता। ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धुले हैं जो मैं अभी फैला रही हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में ना ये सब साफ़ नहीं होते, और पतिदेव की जींस वगैरह तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। भगवान के कुछ कपड़े थे, कुछ बच्चे के एक हाथ दो थे, तो उसको भी मैंने हाथ से धुल दिया है। और इसी चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, लेकिन कोई नहीं यार, घर का काम है, फिर बच्चे खुश हैं तो फिर समझो सारा चीज़ खुश हो, क्योंकि फैमिली के लिए तो मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो अगर फैमिली खुश नहीं होगी तो फिर मेरी खुशी का क्या मतलब। तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों का सारा काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम धाम जो है शुरू करती हूँ। फिलहाल के लिए दोनों बच्चे मेरे नहा धो के खा पी के मस्त बैठे हुए हैं, और अभी दोपहर का खाना जो है उनका मुझे देना है, तो दोपहर के खाने की मैं फटाफट तैयारी कर रही हूँ। और दोपहर के खाने में मैं अभी को टिकिया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैं टिकिया बना रही हूँ आलू की, और कुंज भी बहुत प्रेम से खा लेता है, तो मुझे ना ये चीज़ आसान हो गई है कि इन लोग को टिकिया पसंद है, तो चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा टिकिया बना देती हूँ। हमेशा रोज़ नहीं बनाती हूँ, लेकिन हाँ जब मुझे नहीं समझ में आता ना कि क्या मैं बनाऊँ, तो मैं फटाफट से क्या करती हूँ, टिकिया ही बना देती हूँ, जो कि बहुत आसान रहता है और जो है जल्दी भी हो जाता है। और मैं आलू बॉयल करके फ्रिज में रखी रहती हूँ, ताकि मैं जब भी मुझे वक्त ना रहे या कुछ काम धाम करती रहूँ तो फटाफट मैं टिकिया रोटी बना दूँ, तो मेरे बच्चे ना बहुत प्रेम से खा लेते हैं। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत आसानी से मिल गई है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर मेरा क्यूटी आ गया है, मेरा राजा बेटा, अभी तो उनको कुछ खाना है, कह रहे मम्मा कुछ खाना है। तो वो मेरा बच्चा क्या है ना, थोड़ा सा चटपटा है, तो उसको चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे नमकीन वगैरह हुआ या और भी कुछ चटपटी चीज़ें, थोड़ा बहुत वो ज़्यादा खाता है। तो फटाफट यहाँ पर मैंने गैस चढ़ा दिया है, एक तरफ आटा लगा के मैंने सुबह ही रख दिया था, क्योंकि पति देव को सुबह पराठे खाने थे नमकीन, तो उनके लिए मैंने नमकीन पराठे बनाए थे, प्याज वगैरह डाल के, अजवाइन प्याज, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़े से मसाले वसाले डाल के उनके लिए मैंने पराठे बना दिए थे। तो वो पराठे वराठे खा के चले गए थे, तो वही वाला आटा थोड़ा सा बचा था, तो दो पराठे का, तो मैं सोच रही हूँ उसी का पराठा मैं बना दूँ, और इधर उन लोग दोनों बच्चों के लिए टिकिया बना दूँ, तो इन दोनों का जो है काम हो जाएगा, खाना पीना मस्त हो जाएगा, और मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी शॉर्ट्स वगैरह बनाने की, क्योंकि क्या होता है ना शॉर्ट्स बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर थोड़ा सा माहौल शांत रहता है ना, तो फटाफट से शॉर्ट्स में 6-7 बना लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है ना उसी में टाइम भी लग जाता और मन भी नहीं करता, सच बताऊँ तो बिल्कुल मन ही नहीं करता कि मैं बनाऊँ। तो इसी चक्कर में कभी बनता है कभी नहीं बनता, और मैं गुस्सा लगती है जब मेरा काम नहीं होता ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है सच में, लेकिन फैमिली मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है पहले, तो कभी कभी हो जाता है, इंसान हूँ यार, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो जाती है। और बस फटाफट यहाँ पर मैंने एक तरफ दूसरा तवा चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ रोटी बना लेंगे बच्चे के लिए, पराठा नहीं बनाऊंगी रोटी बनाऊंगी उसी आटे का, स्वाद तो सारा कुछ उसमें रहेगा, लेकिन ऑयल क्योंकि टिकिया में बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत ऑयल उसमें लग जाएगा, तो मैं उनको ज़्यादा ऑयल नहीं देना चाहती, तो इसलिए रोटी बना लूँगी फटाफट से।
और मेरे बच्चे जब दोनों खा लेंगे ना, इन लोग को खिला दूंगी, मैं भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लूंगी, उसके बाद जब ये सो जाते हैं तब मेरा शॉर्ट्स वाला काम शुरू होता है, एडिटिंग का काम शुरू होता है, बहुत सारा काम मेरा शुरू हो जाता है। और मुझे उम्मीद रहती है कि हो सकता हो आज नहीं तो कल मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे बच्चों की मेहनत, मेरी मेहनत, क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। और बस इसी के साथ चलो फिर आज का वीडियो एंड करते हैं, बहुत लंबा नहीं करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं छोटा सा वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि अगर अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे तो मैं बड़ी वीडियो फिर से बनाना शुरू कर दूँगी, और आप लोग बोर ना हो इसलिए मैं छोटा वीडियो बनाती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ फुल वॉच कर लेना। बहुत भयंकर वाली गर्मी है, हालत ख़राब है। एक तरफ मैंने टिकिया बना दिया, एक तरफ रोटी, जो कि टिकिया मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन लोग का टिकिया रोटी हो जाएगा। और दोपहर में मैं बहुत कम ही खाती हूँ, बहुत सारा पानी पीती हूँ, तो अगर मन करेगा तो एक आध टिकिया रोटी खा लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। और अभी डायरेक्ट शाम को खाना बनेगा, तो चलिए फटाफट रोटी बना लो और उसके बाद मिलती हूँ। कहीं भी मत जाइएगा, फुल वॉच जरूर करना मेरा वीडियो। मिलते थोड़ी देर में।